हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिटाडीन गार्गल। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ये क्या चीज़ में काम आती है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके डोजेज हैं, कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं बिटाडीन गार्गल की, जो कि बिटाडीन में एक सॉल्ट होता है, प्रोविडोन आयोडीन गार्गल 2% होता है। जो इसके बारे में बात करते हैं, किस काम में यूज़ आती है, ये आती है माउथ के अल्सर में। माउथ को इन्फेक्शन हो जाता है, माउथ में किसी के या किसी के चोट लग जाती है तो उसमें यूज़ करा जाता है। जैसे कोई गुटखा, तंबाकू ये सब चीज़ें खाता है, सिगरेट पीता है, उसका मुंह ड्राई सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, उसके लिए यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो गले में किसी के छाले पड़ जाते हैं या ड्राई ड्राई सा रहता है गला, तो डॉक्टर उसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये सबसे अच्छी गार्गल होने वाला है आपका गले के लिए, हो गया है ड्राई माउथ हो गया है। जैसे किसी के मिर्ची लगती है ज़्यादा खाने से या कुछ सूजन सी हो जाती है उसके लिए यूज़ करा जाता है। किसी के दाढ़ निकल जाती है तो दर्द होता है या इन्फेक्शन होता है दाढ़ों में, उसके लिए यूज़ करा जाता है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखा गया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है आपके, और स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस ही होने की चांसेस हो सकते हैं। तो आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा अगर जब आपको लगेगा कि साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। सो बात करते हैं इसकी डोजेस की, तो इसका डोज क्या लेने वाला है। अगर बच्चे हैं तो 2.5 ml, ज़्यादा 6 साल से 10 साल 12 साल तक के बच्चे हैं तो 2.5 ml और 2.5 ml पानी दोनों एक साथ कुल्ला कर सकते हैं या फिर गार्गल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं। बड़ों लोगों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी 5 ml बिटाडीन तो 5 ml वाटर ऐसे ही, या 10 ml भी आप ले सकते हैं और 10 ml वाटर ले सकते हैं आप इसे। तो ऐसे आपको ये लेने हैं डोजेस में। सो अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन की, तो आप इसे लेने से पहले या लेने के बाद थोड़ी देर कुछ ना खाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ड्राई ड्राई सा आपको फेस होएगा इसमें। थोड़ा आपको ये गरम गरम भी लगेगा, आपको जैसे अंदर जाता है माउथ में जाता है तो आपको फील होगा गरम गरम सा, तो कुछ उसका वो नहीं है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।